गोल लगातार समाचार बक्सर सभा रिपोर्टर बनी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, ढकाई पैक्स द्वारा धान खरीद धांधली में प्रशासनिक जांच हो गई शुरू। जी हां, अब प्रशासनिक जांच हुई, ई का नाम बटुए डीडीसी योगेश कुमार सागर के। अब खबर विस्तार से सुनी, सेमरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ढकाई पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पे बीतल दिन स्थानीय किसान धान खरीद में धांधली या मनमानी कई जाए के आरोप लगावत जिला प्रशासन के जांच करके या कार्रवाई के मांग कैले रहन। ओजे किसान के समस्या के लेके भोजपुरिया समाचार प्रमुखता से खबर चलैले रहे, जेकरा बाद यह मामला में प्रशासन जांच शुरू कर दिले बिया। इस संबंध में डीडीसी योगेश कुमार सागर से मिलल जानकारी के अनुसार पैक्स अध्यक्ष पे लागल आरोप के जांच शुरू हो गई बा। आरोपी पैक्स अध्यक्ष से सारा ब्यौरा मांग लिहल गई बा। आगे जांच में जमन कुछ भी निकली ओकरा मीडिया के सामने लावल जाए, ये बात योगेश कुमार सागर डीडीसी साहब कहनी। बहरहाल जिला में पैक्स के मनमानी के चलते किसान के सामने उचित मूल्य पर धान खरीद बिक्री करल एगो चुनौती बन गई बा। अब देखल ये दिलचस्प हुई कि किसान के समस्या के दूर करे या लापरवाह पैक्स पर कार्रवाई करे में जिला प्रशासन कितना संवेदनशील बटुए। बता दी कि ये ढकाई पंचायत में कई गो किसान आरोप लगेले रहन कि ई लोग के धान जौन बटुए लिहल नहीं खे जात, लिहलो जाता तो 1600 रेट कहल जात बड़ो, जौन कि 1868 1888 के रेट सरकारी रेट MSP तय बटुए। लेकिन एकरा बावजूद एजा के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ई कहल जाता। साथे साथ ही किसान आरोप लगेले रहन कि जब धान लेके जाता लोग तो खखड़ी धान कह के रिजेक्ट कर देता रहे, जेकरा के लेके किसान में आक्रोश व्याप्त हो गई रहे। किसान अपन आत्महत्या तक करे के बात कह दिले रहन, एकरा अलावे रोड जाम करे के भी बात कहले रहन। बता दी कि सर ओकरा अलावे पैक्स अध्यक्ष अपन हाथ से खड़ा करता रहे। ई लोग के कहना में बटुए कि 100 किलो धान में 67 किलो चाउर SFC के जमा करे के बटुए, लेकिन ई लोग के 47 किलो चावल निकलता है। ऐसा मामला चौगाई में एगो आयल रहे, लेकिन अब एक जाँच प्रशासनिक स्तर से हुई। ढकाई पंचायत में अगर रेट 1600 रुपया के लिहल जाता तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बा, जौन कि सरकार के 1868 रुपया 88 रुपया तय बटुए। अब देखे के बटुए कि आगे जिला प्रशासन का कार्रवाई करता, कहे से कि ऐसा लापरवाह पैक्स जौन किसान अपन खून पसीना एक करके धान के उपज करेला, लेकिन यह उपज के बावजूद ओकर मेहनताना ना मिले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बा। कहे से कि किसान कहीं आंदोलन के रूप में हो गए तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण कहल जाए। इस संबंध में जिला के DDC योगेश कुमार सागर कहनी कि कार्रवाई कैल जाए, अगर गलती पावल गए मामला में पैक्स अध्यक्ष तो इनका ऊपर कार्रवाई कैल जाए। तो बड़ा खबर भोजपुरिया समाचार दे रहल बटुए, पैक्स अध्यक्ष के जाँच के काम शुरू हो गई बटुए, अगर गलती पावल गई तो इनका ऊपर कार्रवाई के गाज भी गिरी। तो भोजपुरिया समाचार और सबसे निहोरा करता है तो खूब दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करी और देश ना विदेश तक पहुँचाई ताकि भोजपुरिया भोजपुरिया के आगे बढ़ावे में सहयोग हो सके। धन्यवाद।